नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अनोनिमस एंड आई एम ऑलवेज हेयर टू हेल्प यू ऑल विद द रेसिपीज यू वांट। प्लीज़ डू सपोर्ट मी एंड शो सम लव। लेट्स सी द रेसिपी। आज हम बना रहे हैं वेज रोल। वेज रोल बनाने के लिए आपको चाहिए सबसे पहले एक थाली या प्लेट, उसमें डालेंगे आप 2 कटोरी मैदा। यहाँ पर मैंने बड़ी कटोरी का यूज़ किया है, आप चाहें तो छोटी कटोरी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम डालेंगे नमक। यहाँ पर मैंने 1.5 टीस्पून नमक यूज़ किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक यहाँ पर डाल सकते हैं। अब हम डालेंगे इसमें ऑयल, आप यहाँ पे घी का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ 1.5 टेबलस्पून ऑयल। अब हम ऑयल को मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से। ऑयल मिक्स करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो तैयार कर लेंगे। मुझे ये डो तैयार करने में लगभग 1 ग्लास पानी लगा है। अब आप इसको अच्छे से गूंद कर कॉटन के कपड़े से ढककर आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है, तब तक हम अपने वेज रोल की फिलिंग को रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे, उस पर रखेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल या फिर घी। जब आपका ऑयल गर्म हो जाएगा तब आप उसमें डालेंगे प्याज। यहाँ पर मैंने 5 मीडियम साइज प्याज यूज किए हैं। अब आप प्याज को अच्छे से चलाएंगे और उसमें डालेंगे शिमला मिर्च। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज शिमला मिर्च यूज़ की हैं और डालेंगे पत्ता गोभी। यहाँ पर मैंने आधी पत्ता गोभी का इस्तेमाल किया है। अब हम यहाँ पर डालेंगे बीन्स। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम बीन्स यूज़ की हैं। अब आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और डालेंगे नमक। यहाँ पर मैंने 1.5 टीस्पून नमक यूज़ किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करके और इसको किसी भी थाली या प्लेट से ढककर 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे रख दीजिएगा। 5 से 6 मिनट बाद हम प्लेट को हटाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर 2-3 मिनट के लिए ढककर फिर छोड़ देंगे। 3 मिनट बाद प्लेट को फिर हटाएंगे और इसमें डालेंगे सोया सॉस। यहाँ पर मैं 1.5 टेबलस्पून सोया सॉस का यूज़ कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली सॉस। यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वेज रोल थोड़े स्पाइसी ही अच्छे लगते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे विनेगर। यहाँ पर मैं 1/2 टेबलस्पून विनेगर डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें डालेंगे टमाटो केचप। यहाँ पर मैं लगभग 2 टेबलस्पून टमाटो केचप का यूज़ कर रही हूँ।
टमाटो केचप डालने के बाद मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं यूज़ कर रही हूँ मिक्स हर्ब्स, यहाँ पर मैं लगभग 1/2 टीस्पून मिक्स हर्ब्स डालूँगी, इससे जो हमारी फिलिंग है उसका थोड़ा टेस्ट एनहेंस हो जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। नाउ योर फिलिंग इज़ रेडी। अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम गैस फ्लेम को कर देंगे ऑन और उसके ऊपर रख देंगे फ्राइंग पैन और हम अपनी वेज रोल की शीट्स की तैयारी करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमने आटा रखा था साइड में उसको हम अच्छे से एक बार गूंद लेंगे, सॉफ्ट कर देंगे गूंद कर। और अब हम आटे की छोटी छोटी लोई बनाकर इसको अच्छे से रोल करेंगे। अब इसको बेल कर इसकी पतली पतली शीट्स रेडी कर देंगे। इसको बेलते हुए ध्यान रहे कि ये बिल्कुल भी अनइवन नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से पतली और बड़ी शीट्स रेडी होनी चाहिए। अब हम इसको फ्राइंग पैन पर रख देंगे। जब ये ऊपर से डार्क होना शुरू हो जाए तो इसको पलट देंगे। ध्यान रहे जो इसकी फ्लेम है वो मीडियम टू लो रहनी चाहिए। अब 1 मिनट बाद इसको फिर से पलट देंगे। अब हम इस पे दोनों साइड ऑयल लगाकर इसको अच्छे से सेक देंगे। जब आपका ये पराठा सिक जाएगा तो आप इसको एक साइड प्लेट में रख दीजिए। ऐसे ही आप अपने सारे पराठे या शीट्स रेडी कर लीजिए। अब हम एक पराठा लेंगे और उस पर 2 टीस्पून फिलिंग को रख देंगे। और उसके ऊपर रखेंगे एक मोज़रेला स्टिक। यहाँ पर मैंने मोज़रेला चीज़ को पहले ही स्टिक्स में काट लिया था। अब हम इसको ऊपर नीचे से फोल्ड कर दोनों साइड से फोल्ड करके अपने सारे रोल्स ऐसे ही रेडी कर लेंगे। मैंने अपने सारे रोल्स ऐसे ही रेडी कर लिए हैं। अब हम लेंगे एक फ्राइंग पैन, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे लगभग 1 टीस्पून और उसको अच्छे से फैला लेंगे। अब हम रखेंगे इसमें अपने रोल्स। मैं यहाँ पर 3 रोल्स एक साथ रख रही हूँ, आप चाहें तो कितने भी रोल्स एक साथ रख सकते हैं। इसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाएंगे। और इसको लिड से कवर कर देंगे। 4 से 5 मिनट बाद हम अपने रोल्स को दूसरी साइड से सिकने के लिए रख देंगे। ये देखिए कितना अच्छा ब्राउन कलर यहाँ पर आ चुका है। हम इसको फिर से लिड से कवर कर देंगे
और 2 से 3 मिनट बाद हम लिड हटाएंगे और अपने रोल्स को निकाल लेंगे। याद रहे, जब आप अपने रोल्स को सेकेंगे तब आपकी गैस की फ्लेम लो होनी चाहिए। सी, योर रोल्स आर रेडी। हाउ टेम्प्टिंग इज दिस, है ना? If you like the recipe and the video, please do hit the like button and share with your friends and family. And yes, subscribe to my channel and press the bell icon to get the notification whenever I upload the video. Also, comment down which recipe do you want to see in my next video. Thank you for watching. See you in the next video.